क्या भारत में हर गरीब एक ऐसे पिंजरे में कैद है जिसकी चाबी उसके हाथ में ही है, लेकिन वो पिंजरा खोलेगा नहीं क्योंकि शायद उसे मालूम नहीं कि पिंजरा खोलकर भागने का अंजाम क्या होगा। क्या गरीब को आजादी मिलेगी या फिर उसे पिंजरा तोड़ने की सजा दी जाएगी? यहां पिंजरा लाचारी है, मुफलिसी है, गरीबी है, गुलामी है, और गरीब एक ऐसा मुर्गा है जो अपने कटने की बारी का इंतजार कर रहा है। अपने साथियों को पहले ही कटते हुए देख चुका है लेकिन भागेगा नहीं। अगर कोई मुर्गा पिंजरे से भाग निकले तो वो मुर्गा मुर्गा नहीं या कोई देहाती चूहा नहीं, द व्हाइट टाइगर कहलाएगा। यही कहानी है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई अरविंद अडिगा की बुकर प्राइज विनर बुक द व्हाइट टाइगर पर बेस्ड मूवी द व्हाइट टाइगर की। मैंने अपने कॉलेज के दिनों में ये बुक पढ़ी थी और तब भी नहीं समझ पाया था कि बलराम हलवाई ने पिंजरा खोलने के लिए जिस चाबी का इस्तेमाल किया क्या वो सही था। मैं हूं आरजे सनी और आप देख रहे हैं यादगार। क्या गरीबी से आजादी का रास्ता अपराध के गलियारों से होकर गुजरता है? क्या प्रतिभा और कड़ी मेहनत किसी गरीब की कामयाबी की बैसाखी नहीं बन सकती? इस फिल्म में बलराम हलवाई, जो कि फिल्म का मेन कैरेक्टर है, वॉइस ओवर में एक चिट्ठी पढ़कर सुना रहा है। चूंकि कहानी साल 2010 के आसपास की है, जब शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट नहीं बने थे और भारत के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, इसलिए चिट्ठी चाइना के उस समय के राष्ट्रपति बेन जियाबाओ को लिखी जा रही है। बलराम हलवाई का वॉइस ओवर कई बार उन लोगों को अपने मन की आवाज लग सकती है जो गरीबी के सताए हुए हैं और इस पिंजरे से रिहा होना चाहते हैं। इस फिल्म में डेमोक्रेसी के लूपहोल्स, सोशलिज्म के दिखावे, रिलीजन के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन, कास्ट सिस्टम की ऊंच नीच वाली मानसिकता, जेंडर सुपीरियरिटी वगैरह जैसे किसी भी टॉपिक को नहीं बख्शा गया है, लेकिन कम्युनिज्म को लेकर थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है। इस फिल्म की सबसे खास बात है फिल्म के लीड एक्टर आदर्श गौरव, इनका रिएक्शन इतना नेचुरल था कि आप उनकी बेबसी, उनके अधछलके आंसुओं की खसक को महसूस कर पाएंगे। दूसरी तरफ है राजकुमार राव और छोटे मालिक अशोक, बलराम हलवाई की भाषा में कहें तो मेमना। अशोक अपने बाप और बड़े भाई की तरह नहीं है, वो थोड़े नरम दिल वाले इंसान है जो अपनी बीवी पिंकी उर्फ प्रियंका चोपड़ा से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्या उनका प्यार इतना सच्चा है कि वो भारत की तरक्की के लिए संजोए अपने सपनों को छोड़कर पिंकी मैडम के साथ अमेरिका शिफ्ट हो जाए? राजकुमार राव और प्रियंका चोपड़ा दोनों की एक्टिंग अच्छी है, लेकिन आपने शायद ही किसी न्यू कमर आउटसाइडर को फेमस और एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स के सामने लीड रोल प्ले करते हुए देखा होगा। ये खास फिल्म है, इसे जरूर देखिए। ये फिल्म एक बार देखने तो बनती है, लेकिन इसे पारिवारिक शो समझने की भूल ना करें। हेडफोन लगा करके ही देखें, क्योंकि गायों की मशीन गन धुआंधार चलाई गई है इसमें, जो कि अब ओटीटी प्लेटफॉर्म का जन्मसिद्ध अधिकार बन चुका है। शायद ये फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो जाए, शायद जीत भी जाए, क्योंकि अब तक शायद जब भी भारत की पृष्ठभूमि पर ऐसी कोई हॉलीवुड फिल्म बनी है तो उसने ऐसा कमाल कर ही दिखाया है। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि इस फिल्म को ऑस्कर मिलता है या नहीं। बाकी फिल्म देखकर बताएं कि कैसी लगी आपको रमीन बहरानी की द व्हाइट टाइगर। इस फिल्म को मिलते हैं 5 में से 4 और लगे हाथ घंटी बजाते हुए चैनल का सब्सक्राइब बटन भी दबा दिया। जल्दी मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें।